हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर रिव्यू। आज हम बात कर रहे हैं आइलैंड ग्रीन की, जो कि ग्रीन लेवल 15 ईयर ओल्ड की कजन है। और सिंस ये उसकी कजन विस्की है, मैंने सोचा कि इट्स ओनली फिटिंग मैं अपने कजन के साथ ये वीडियो बनाऊं। हे एवरीवन, आई एम रोहन। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि ये ग्रीन लेबल उस ग्रीन लेबल ओरिजिनल ग्रीन लेबल के साथ कैसे उससे कैसे डिफरेंट है, इसकी नोजिंग क्या है, इसके टेस्टिंग क्या है, और एक फन फैक्ट जो इस ग्रीन लेबल फैमिली के साथ है वो भी मैं आपको वीडियो में जरूर शेयर करूंगा। तो चलिए रिव्यू शुरू किया जाए। ये यहीं रख लेते हैं। तुमने कभी ग्रीन लेबल ट्राई की है? नो, नेवर, फर्स्ट टाइम। फिर तो पिछली बार की तरह ये बोलेगा कि मैंने इनफैक्ट कोई लेबल ट्राई नहीं किया है। ब्लैक भी नहीं, रेड भी नहीं। सीरियसली? बोले बच्चे हैं। बोले बच्चे, हाँ ठीक है, ये भोला बच्चा है। वाह, चल फिर भोले बच्चे को पहले डाल देते हैं। और जैसा कि आप लोगों ने अभी नोटिस किया कि बॉटल मैंने अभी भी खोली है, इसीलिए कॉर्क साइड पे रहेगा ताकि ये थोड़ा ऑक्सीजनेट हो जाए, जस्ट लाइक द लास्ट वीडियो सिंगल टन में भी मैंने आपको बताया था। और थोड़ी देर बाद इस जिन को हम इस बोतल में कैद कर देंगे। ठीक है भाई, तो नोजिंग शुरू की जाए। मेरे को थोड़े से इसके नोट्स फ्लोरल लग रहे हैं। फ्लोरल? वेल दैट वाज द फर्स्ट थिंग जो आया तेरे को? ओके, सरप्राइजिंग। तो ये बेसिकली जैसे कि आप जानते हो जॉनी वॉकर की हर विस्की ब्लेंडेड विस्की होती है, और इसमें जो मेन इन्फ्लुएंस है वो एक आइला रीजन की विस्की का है, और आइला रीजन की ज्यादातर विस्कीज होती हैं स्मोकी। तो आई एम सरप्राइज कि तेरे को पहले फ्लोरल आया है और स्मोकीनेस नहीं आया, अब आ रहा है? वेल व्हेन यू से इट आई रियलाइज कि हाँ थोड़ा सा तो है ना। हाँ, तो इसमें डेफिनेटली स्मोकी फ्लेवर है। पीट वाला जो है वो वाला स्मोकी है, थोड़ा सिट्रस है, और हाँ फ्लोरल जो तो कह रहा है कि मेरे भी को है। इसमें गुलाब जल जैसी खुशबू सी आ रही है, पता नहीं क्यों। नहीं, मुझे अनफॉर्चुनेटली गुलाब जल की कोई नहीं आ रही। क्या तो अभी भी अपने इंडिया ट्रिप की यादों में घूम रहा है? मेबी। ये अभी भी ताज़ा इंडिया से आया, तो हो सकता है कि वहां पे इसने गुलाब जल वाला क्या रूहफजा या फिर कोई फलूदा खाया, पता नहीं क्या खाया। फोटोज मैंने देखी थी, काफी टेस्टी टेस्टी खा रहा था ये। तो ये इसलिए रोज नहीं आया, कोई गुलाब जल नहीं आया मुझे इसमें। हाँ, स्मोकीनेस है पीट की, चारकोल का थोड़ा चार्ट फ्लेवर जैसे होता है वो है, माइल्ड सिट्रस है, वेनिला है, और वुड की जो ओकीनेस होती है वो तो डेफिनेटली है। मिट्टी की खुशबू आ रही है। वेरी गुड, वेरी अर्थी फ्लेवर्स, यस। क्योंकि जो जो पीट का जो फ्लेवर है ना, बेसिकली पीट मॉस जो है वो दलदल वाली जमीन होगी जिसमें प्लांट रूट्स वगैरह हैं, तो उनको बर्न करके जो इसका मॉल्ट होता है उसको ड्राई किया जाता है, तो उस वजह से थोड़ा वो अर्थीनेस और स्मोकीनेस का फ्लेवर आ जाता है। और कलर बहुत प्यारा है इस विस्की का। और अगर आप इसकी लेग्स देखो, अभी भी विस्की ग्लास में चिपकी हुई है, नीचे कर लिया पर बहुत लॉन्ग लेग्स हैं, बहुत ही स्टिकी विस्की है। इसका मतलब ये पानी में जाने के बाद और धमाकेदार हो जाएगी। चल मेरे भाई, टेस्टिंग की जाए। चीयर्स। स्पाइसीनेस है। ओके। और अगर आप लोगों ने हमारी ग्लेनफिडिक डबल एक्स की वीडियो नहीं देखी, तो रोहन पहली बार उस वीडियो में आया था और उसने कहा था क्या स्कोर दोगे इसको फिर? वेल टू बी ऑनेस्ट, मैंने इतनी अच्छी दारू पहले कभी नहीं पी। ठीक है, सो मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ आज देखने के लिए, जानने के लिए कि इस विस्की को क्या नंबर देता है, क्या रिव्यू देता है। स्पाइसीनेस के अलावा कुछ और आया भाई? Well, comparing to what we drank earlier, इसकी, इसका जो टेस्ट है वो ज्यादा देर तक रह रहा है। Okay, good. और जैसे आपको सुन रहे हैं, मेरा गला ऐसे लग रहा है जैसे पकड़ लिया है इसने। हाँ, ये बेसिकली क्या है, जिसका पहला फ्लेवर आता है स्मोकीनेस जो है वो पीट मॉस की नोज पे ज्यादा है। सिप लेने के बाद जो चारकोल वाली स्मोकीनेस होती है ना, वो है। और स्पाइसीनेस तेरी बात बिल्कुल ठीक है, ये जो ब्लैक पेपर व्हाइट पेपर वाली जो स्पाइसीनेस है ये वो है, और ये गले के पीछे गर्माहट देती है। नीट विस्की पीने की आदत नहीं है तो उस चलते तेरे को ऐसा लग रहा होगा कि हाँ इसने मेरा गला पकड़ लिया है। आवाज मेरी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी भारी हो गई है, पर विस्की जबरदस्त है। लाइक यू नो,
और ये बड़ी ही यूनिक विस्की है क्योंकि एज ए सेड कि ये जो आइलैंड ग्रीन वाला वेरिएंट है ये 15 साल वाली से थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि इसमें इनको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है एज की, कोई एज लिखी भी नहीं है और ये प्रेडोमिनेंटली चार विस्कीज का ब्लेंड है, कोलीला जो कि एक आइला रीजन की स्मोकी विस्की है, उसके बाद कार्डू है स्पेस साइड की जिससे थोड़ा पेपरीनेस भी है स्पेस साइड और वेनिला भी आ रहा है, एक ग्लेन किंचे करके है लोलैंड्स की और इसमें एक क्लेनिश भी है जो कि हाईलैंड रीजन की विस्की है। सो 6 में से इन्होंने 4 रीजन्स की विस्की लेके ब्लेंड करके बहुत ही बढ़िया रेसिपी बनाई है। ठीक है, जो जो थोड़ी पेपरीनेस है, थोड़े जो कड़क फ्लेवर्स हैं वो इसलिए क्योंकि इसमें कुछ यंग विस्कीज हैं और ये जो आइलैंड ग्रीन है ये सिर्फ एक ड्यूटी फ्री एक्सक्लूसिव या फिर ट्रैवल एक्सक्लूसिव वेरिएंट है। ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं भी जाओगे ड्यूटी फ्री में बहुत आराम से मिलेगा। आई मीन जॉनी वॉकर ऐसा ब्रांड है कि जो पूरे वर्ल्ड वाइड मिलता है एंड इसका आइलैंड ग्रीन हर ड्यूटी फ्री में मिलेगा, टोरंटो में, इंडिया में भी, दिल्ली ड्यूटी फ्री में भी हर जगह अवेलेबल है एट अ वेरी रीजनेबल प्राइस। यूजली इसके साथ डील्स चल रही होती है, 2 पे ये ऑलमोस्ट 30-40% ऑफ हो जाता है और इसके साथ बैग फ्री और मिलता है। तो सोने पे सुहागे वाला काम हो जाता है। आई वॉज अंडर द इम्प्रेशन कि ये जो बॉटल है ये इंडियन करेंसी में 20-25 हजार की है। ग्रीन लेबल नहीं है, 20-25 हजार में तो तेरे को ब्लू लेबल मिल जाएगी। ओके, 20 से 24 हजार में तुझे ब्लू लेबल मिल जाएगी बड़े आराम से। ग्रीन लेबल बेसिकली क्या है, रेड, ब्लैक, डबल ब्लैक, फिर गोल्ड, फिर ग्रीन, फिर प्लैटिनम या फिर 18 वाली जो आती है आजकल जिसपे सिर्फ 18 लिखा हुआ है, उसके बाद तेरी आ जाएगी ब्लू लेबल और उसके बाद आएगा ब्लू लेबल के लिमिटेड एडिशन जो एक्सक्लूसिव हो गए जैसे ईयर ऑफ द रैबिट हो गया, ईयर ऑफ द ड्रैगन हो गया या फिर कोई और वगैरह हो गए, तो वो सब। तो ये आई वुड से मिड रेंज में आती है जॉनी वॉकर की कोर रेंज में। तो ये और 15 एज़ आई सेड यू नो कजन है और ये थोड़ा स्मोकी ज्यादा है। तो इसमें थोड़ा सा स्पिरिट जैसा है, स्पिरिट जैसा हो सकता है क्योंकि लास्ट वाली जो तूने विस्की ट्राई की थी मेरे साथ वो 47-48% थी, ये है 43%। तो ये आम विस्की से थोड़ी ज्यादा स्ट्रांग है, मोस्ट विस्की 40% होती है, ये 43 है। तो उस वजह से थोड़ा स्पिरिटी हो सकता है और दूसरी वजह ये स्पिरिट इसलिए है क्योंकि ये अभी भी खुली है। तो ये जब थोड़ा ऑक्सीजनेट हो जाएगी इसके फ्लेवर प्रोफाइल थोड़े से मेलो हो जाएंगे और जैसे मैं बोल रहा था कि आइलैंड ग्रीन और ग्रीन लेबल मुझे इसलिए पसंद है और इसलिए यूनिक भी है कि इसकी इतनी ज्यादा डिमांड बढ़ गई थी, इतनी ज्यादा बिक रही थी कि जॉनी वॉकर कुडंट कीप अप विद द प्रोडक्शन। 2012 में अप्रोक्सीमेटली ये 4 साल के लिए खत्म। सो इसलिए भी मुझे थोड़ी यूनिक लगती है और मैं अपनी कलेक्शन में हमेशा 1-2 स्टॉक में रखता हूँ कि कोई पता नहीं फिर कहीं गायब ना हो जाइए। ठीक है ना, क्या पता कोई दूसरा कजन आ जाए, होनी चाहिए। शैतान बच्चा है तू, फिर कहता है कि हम भोले बच्चे हैं, है नहीं शक्ल बोलिए ये। तो पानी में ट्राई की जाए या आइस? पहले ग्लास तो दे दे, यही डाल ले। तो मैं तो आइस नहीं लूंगा, मैं सिर्फ हल्का सा डालूंगा पानी, फिर मैं भी ये ले। एटलीस्ट ग्लास नहीं गिरी है रानी, कोई बात नहीं, बाहर गिरी है, बाहर गिरी है थोड़ी सी, कोई बात नहीं। अभी थोड़ी देर पहले वीडियो बनाने से पहले वो पुरानी वीडियो का ब्लूपर याद आ जाएगा। ये इसका ना ट्रेडमार्क स्टाइल है, जैसे हर किसी का ट्रेडमार्क स्टाइल होता है, जैसे मेरा ओ वाव करना है, बोतल को जिन में कैद करना है, रॉनी ने कुछ ना कुछ डोलना होता है। अगर रॉनी कुछ ना डोले तो हमारी वीडियो की शुरुआत नहीं होती। लास्ट वीडियो में इसने विस्की डोल दी थी टेबल पे, ये वीडियो शुरू करने से पहले जनाब ने ये पानी का मग डोला, जग डोला और वीडियो के दौरान थोड़ी सी आइस। तो यू नो ऐसे ही है, कुछ चीजें यू नो नहीं बदलती। तो पानी डालने के बाद मुझे इसमें स्मोकीनेस, जो चारकोल वाली स्मोकीनेस है वो थोड़ी ज्यादा आ रही है और पिछली वीडियो की तरह ये जैसे मैंने कहा था कि थोड़ी प्यासी आत्मा है, ये ऑलरेडी सिप ले चुका है। तो बताओ भाई टेस्ट में क्या है जब तक मैं टेस्ट करूं। वेल ऑब्वियसली स्मूथ हो गई है। हाँ, और स्पिरिट जैसा वैसा तो कुछ नहीं लग रहा है। और थोड़ी सी स्वीट हुई है, थोड़ी सी स्वीट, वेरी गुड। हाँ आई एग्री, मुझे भी फ्लेवर आ रहा है। हाँ तो अब तेरे को शायद पानी डालने के बाद आ रहा है, मुझे थोड़ा नोज में आ रहा था। जैसे ही मैंने सिप लिया तो मेरे लिप्स पे हल्का पेपरी जो फ्लेवर होता है ना, स्पाइसीनेस, वो पेपरीनेस वो थी। हनी बहुत प्रोमिनेंट हो गई है, फिनिश इसकी ज्यादा लंबी नहीं है, पियो 2-10 सेकंड तक मुंह में थोड़ा फ्लेवर देगी, उसके बाद ये गुम।
और जाते जाते ना ये चारकोल का जो स्मोकी फ्लेवर है सिर्फ वो आ रहा है, और ड्यूरिंग द टेस्ट थोड़ा वेनिला, थोड़ा हनी, तो वो सब फ्लेवर्स हैं, सिट्रस भी आ रहा है हल्का हल्का. आई थिंक दैट्स अ नाइस एडिशन. सिट्रस की वजह से ना ये बहुत ही बढ़िया तरीके से बैलेंस हो गई है. आई एग्री. वेल नीट जब ट्राई किया था तो ऐसा लग रहा था गला पकड़ रहा है, लेकिन ऐसा कोई नहीं लगा. अब कुछ नहीं है, अब आराम से स्मूथली जा रही है ना. बहुत. तो ये विस्की तुमको कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी. हाँ. और लाइक बजट फ्रेंडली है. डेफिनेटली. और आई वुड श्योरली रेकमेंड इट टू एवरीवन. मस्ट ट्राई करो. हाँ. और बॉटल की शेप भी बड़ी सुंदर है, बहुत ही प्रीमियम है. ये जो इसका वॉकिंग जॉनी वॉकर वाला लोगो है वो एम्बॉस्ड है. सो बहुत ही ब्यूटीफुल बॉटल है. और आई थिंक दिस इज अ गुड टाइम कि अब इस जिनको कैद कर लेते हैं इस बॉटल में. और जब तक तू थोड़ा और सोच विचार कर स्कोर्स के बारे में, मैं इसका बॉक्स पढ़ के बता देता हूँ. So, इसमें लिखा है, in Johnnie Walker Island Green, the blended malt scotch whiskey, we sought to create a powerful and more intense version of the famous Johnnie Walker Green label. This new expression is true to the signature malt style of the original, but with a greater influence of the island whiskey. Our long tradition of blending has enabled us to craft this carefully selected release to capture the distinctive characteristics of individual nature. Individual mature malts from their four main whisky regions of Scotland. So basically, इसमें फिर कोल इला की बात की है, island region of Isla, and this smoky maritime malt is balanced with robust fruity highland malts including Clenish, and lighter lowland malts represented by Glenkinchie, and the characteristically sweet and fragrant Speyside style of Cardhu. So बहुत ही बढ़िया, and literally कोई fluff नहीं है, जो लिखा है definitely वैसा ही flavour आ रहा है. तो मेरे भाई अब आ गई स्कोर्स की बारी. मैं इसको दूंगा 82. 82? या. गुड स्कोर. ज़्यादा स्कोर आई वुड गिव फॉर द स्मूथनेस. लाइक विस्की पीने में कौड़ी लगती है, ऐसा ऐसा कुछ फीलिंग नहीं आ रही है. इजीली जा रही है, पी जा रही है. और आई गेस सो इट्स अ वेरी ड्रिंकेबल विस्की. बंदा बहुत एंजॉय करेगा और पीता ही रहेगा. पीता जाएगा. ये लंबी शाम के लिए बहुत ही मजेदार है, प्यारी, बहुत ही मेलो है. आई एग्री. तूने कहा 82. तो मेरा स्कोर एक्चुअली तेरे से ज्यादा ऑफ नहीं होगा. आई विल गिव दिस 83. सो वेरी सिमिलर जैसा रोहन ने कहा, आई कम्प्लीटली एग्री. बहुत ही स्मूथ, बहुत ही मेलो, बहुत ही माइल्ड. थोड़ा स्मोकीनेस, स्मोकीनेस ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है. पेपरीनेस ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है. पानी थोड़ी सी लगी. हाँ. अब देखो नीट पियोगे तो हर फ्लेवर्स जो है वो थोड़े एम्पलीफाइड हो जाते हैं, है ना. और पानी डालने के बाद ये इतनी स्मूथ, इतनी मीठी हो गई है. जैसे इसका मीठा मतलब बहुत ही वेल बैलेंस्ड है. जो इसकी पेपर की बैलेंस है, फ्रूटी फ्लोरल फ्लेवर्स है वो स्मोकीनेस ने बैलेंस कर दी. जो स्पाइसीनेस है वो थोड़ा हनी और वेनिला ने बैलेंस कर दी. A very well balanced, a very delicious dram, a must try. 15-year-old जो इनकी है वो भी बहुत अच्छी है. और cousin ये तो मेरा favorite है, ये वाला भी और ये वाला भी. तो all right guys, तो ये whiskey जरूर लाइए, try कीजिए. It's a beautiful whiskey. See you in the next one. Cheers. Cheers, bye. Cheers.